नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपचुनाव को लेकर कहा कि भाजपा 15 अक्टूबर को विजय संकल्प ध्वज लगाने का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रमुख रूप से शामिल होंगे। इसी दिन से स्टार प्रचारकों के दौरे भी शुरू होंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि विजय संकल्प ध्वज आयोजन में केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश से मंत्री बने हमारे वरिष्ठ नेतागण भी शामिल हो। वहीं उन्होंने अरुण यादव को लेकर कहा कि अरुण यादव के साथ अन्याय हुआ है। अरुण यादव ने वर्ष 2013 से 2018 तक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सड़क पर संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी तो यादव की जगह कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उपचुनाव के लिए यादव जब पूरी तैयारी कर चुके थे तो उनका टिकट काट दिया गया। अरुण यादव से हम अपील करेंगे कि अपना राजनीतिक भविष्य ध्यान में रखते हुए वह भाजपा में आ जाएं। कन्या पूजन का निर्णय लिया गया है, झंडा फहराने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस आपत्ति जा रही है, ये धर्म की आग ले रहे हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं ले रही? हम लोग कहाँ आपत्ति कर रहे हैं? कांग्रेस करे ना कन्या पूजन, उनको किसने मना किया कांग्रेस को कन्या पूजन के लिए? हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में नवरात्रि में कन्या पूजन होता ही है, कोई नई बात थोड़ी है। ये तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, ये तो हमेशा होता है, कोई नई चीज़ थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। कोयले से बड़ा क्राइसिस चल रहा है, देखिए मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और पर्याप्त विद्युत मिल रही है लोगों को। मध्य प्रदेश में ना कोई इस तरह की कटौती हो रही है, जबकि दिल्ली वगैरह में कटौती की स्थिति है। मध्य प्रदेश की सप्लाई के मामले में ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई कोयले की कमी हम लोग नहीं आ रही। सर, कमलनाथ 12 तारीख प्रचारकों के दौरे भी 15 तारीख से प्रारंभ होंगे। 15 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो राज्य में केंद्र के नेता हैं उनको, अगर वो 15 का समय हम लोगों को मिलता है तो 15 तारीख को जो हम लोगों का विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे, उस कार्यक्रम में हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमारे केंद्रीय जो राज्य के नेता हैं वो भी समय अगर देंगे तो उनको भी हम जोड़ेंगे और बाकी 15 के बाद सब लोग आएंगे। सच आप चुनाव खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।